पाकिस्तान की कैद से लौटने के बाद अब कुछ टाइम तक ये काम नहीं कर पाएंगे अभिनंदन। पाकिस्तान की हिरासत से वागा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंचे वायुसेना के MiG-21 फाइटर पायलट अभिनंदन धरवान अगले 2 महीने तक लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकेंगे। इसके अलावा उन्हें संवेदनशील फाइल और जानकारियों से भी दूर रखा जाएगा। इस अवधि में वायुसेना की इंटेलिजेंस और विजिलेंस विभाग उन पर कड़ी नजर रखेगा। इस परीक्षा में खड़ा उतरने के बाद अभिनंदन वापस MiG-21 वायुसेन की पायलट सीट पर बैठ पाएंगे। भारत सहित पूरी दुनिया के सैनिकों के लिए यह मानक फिक्स है कि जब कोई उनका सैनिक दुश्मन देश की कैद से छूट कर आता है तो उसकी पूरी मेडिकल जांच की जाती है। ये जांच सामान्य नहीं होती है। स्वास्थ्य की रूटीन जांच करने के बाद वायुसेना अभिनंदन को अपने उस केंद्र में ले जाएगी जहां उनके शरीर की पूरी स्कैन करने की मशीनें हैं। इन मशीनों से अभिनंदन के शरीर के पूरे कपड़े उतार कर जाँच की जाएगी कि दुश्मन ने कहीं उनके शरीर में किसी तरह का कोई उपकरण फिट तो नहीं कर रखा। यहाँ तक कि उनके शरीर के गुप्त अंगों के आसपास उगे बालों की सूक्ष्म जांच की जाएगी। फिर उनसे मशीनों के माध्यम से ही पूछताछ होगी। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाएगा। 1 सप्ताह की छुट्टी के बाद अभिनंदन ड्यूटी पर लौट आएंगे, लेकिन उन्हें विमान उड़ाने का काम नहीं दिया जाएगा। उन्हें शुरुआत में सामान्य ड्यूटी पर रखा जाएगा। इस दौरान वायुसेना का इंटेलिजेंस और विजिलेंस विभाग उनकी हर गतिविधियों पर कड़ाई से नजर रखेगा। 2 माह तक लगातार रखे जाने के बाद दोनों विभाग अपने अधिकारियों को पॉजिटिव रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद ही वे फिर पायलट की सीट पर बैठ पाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन पर वायुसेना का भरोसा नहीं रहा। वायुसेना और अन्य सेना दुश्मन की कैद से लौटने वाले की इसी तरह जाँच करती है, क्योंकि कैद में रहने के दौरान यह आकांक्षा बनी रहती है कि कहीं दुश्मन ने उन्हें किसी तरह की धमकी, लालच या किसी अन्य तरीके से बरगला तो नहीं रखा है। दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो अभिनंदन के लिए आपके दिल में कितना प्यार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।